न्याय चल रहा है। सैकड़ों लोगों को झूठे केसों की चक्की में पीस दिया गया है। अरे कुछ उधर से विधानसभा का चुनाव थोड़े से वोट से हार गए हम, इससे हमारे उम्मीदवार प्रीतम जी सहित कई कार्यकर्ताओं पर एक नहीं दर्जनों झूठे केस बना दिए गए। राम सिंह जी यादव जैसे तो जिला पंचायत के सदस्य कुचल दिया गया, पूरा परिवार, बाप भी जेल, बाप पे भी केस, बेटे जेल में, एक नहीं दर्जनों कार्यकर्ताओं पे और आम जनता जो असहमति रखती उन पे भी प्रकरण बनाए जा रहे हैं, घर तोड़वाए जा रहे हैं अतिक्रमण के नाम पे। दूसरे सही सलामत है बगल में, लेकिन ये तोड़ो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इसलिए कुचल दो। मैं इस कुचलने वाली मानसिकता को कुचलने आया हूं। आज हम यहां थाने में आए, हमने गिरफ्तारी दी है, हजारों का जनसमूह आज आप गवाह हैं, पिछोर में इकट्ठा है। हमने सबको अहिंसक रहने का संकल्प दिलाया है, लेकिन मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर ऐसे झूठे प्रकरण बने तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, डट के लड़ेंगे, जब तक सांस है तब तक लड़ेंगे। पूरे कांग्रेस की सरकार इसी में लगी, कैसे कुचल दो। मैं कुचलने नहीं दूंगा अपने कार्यकर्ताओं और न जनता को। क्या यही कारण है कि अहिंसा में विश्वास करने वाले शिवराज जी आज हिंसा की बात कर रहे थे? देखिए, अन्याय किया थी, एक बार हम यहाँ कर गए, 9 दिन 10 दिन प्रीतम भूख हड़ताल पे बैठा, दूसरी बार हम आए, फिर कह रहे हैं शांति रखो सबसे, लेकिन आप कुचलते जाओगे क्या लोगों को? सर 220 विधानसभा में सिर्फ पिछोर विधानसभा में अन्याय हो रहा है क्या? केवल पिछोर में नहीं, कई जगह जहाँ हो रहा है। गृह मंत्री के यहाँ भी हम प्रदर्शन करने जाएंगे। हिंसा का रास्ता कहाँ तक सही है? नहीं नहीं, हिंसा की बात नहीं की, हमने तो शांत रहने की बात कही है। अगली बार घेर के मारेंगे? मैंने मारने की बात नहीं की, हमका हम मरेंगे जी, जब तक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जब तक सांस है, और अपने सीने खोलेंगे संगीनों के सामने कि मारना तो हमें। गिरफ्तारी दे रहे हैं, अगली बार घेर कर जवाब देंगे। हम घेराव करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? घेराव लोकतंत्र का अधिकार है, और अब यहाँ घेरा है, राजधानी घेरेंगे। ये नहीं हो सकता कि जनता को आज लोकतंत्र में आप कुचल मारो, और ये सोचो कि वो जमाने जब पीस दे और लोग दबे रह जाएं, ये नहीं होगा। हम लोग लड़ेंगे, ये तय है, और लड़ाई केवल झूठे मुकदमों के खिलाफ तो होगी, कर्जा माफी की भी अब होगी। ये नहीं होगा कि आपने 10 दिन का वादा किया और निकल लिए। बेरोजगारी भत्ते के लिए होगी, बिजली बिल हाफ करो, बिजली पूरी दो, बोनस दो, भाव अंतर की राशि दो, गेहूं के 160 रुपया क्विंटल जो देना था इनने कहा था वो नहीं दिया, मैं तो 21 रुपया क्विंटल खरीदने वाला था। किसान तबाह है, गरीब की संबल योजना बंद कर दी गई है, बच्चों के लैपटॉप और स्मार्टफोन में देता था वो भी नहीं दिए गए। तो हम संघर्ष करेंगे तो सबके खिलाफ करेंगे, लेकिन झूठ है मुकदमे आज तो विशेष है। एक सवाल स्थानीय विधायक है केपीसी, जिनके खिलाफ ने विरोध प्रदर्शन भी किया है, हम सरकार के खिलाफ, उन्हीं का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो अपनी ही सरकार को लूट खसोट वाली बता रहे हैं। देखिए, हम आपको कहना चाहेंगे, मतलब कहीं ना कहीं आप सरकार की मानसिकता के खिलाफ, और मैंने प्रशासन से भी कहा कि क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर करेंगे, इससे ज्यादा क्या कर लेंगे। अपने कर्तव्य का जो संविधान के प्रति शपथ लिया उसका पालन करो, और जब कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं लूट मची है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो मुझे कहने की क्या जरूरत है? यही हो रहा है, और इसलिए सब हो रहा है। देखिए, हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, हमारा